दिख रहे हैं। इमरान खान की अडयाला जेल में आज 3 मुख्तलिफ मुकदमात में पेशी थी और ये तारीख आज रकम हुई है कि 3 जजेस जो हैं वो अडयाला जेल आए हैं और इस शाम हो चुकी है। ऑफिशियल टाइम जो होता है कोर्ट्स का या सरकारी दफातर का वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक जो मुसलसल प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ हैं, पुलिस के दस्ते हैं, वकला की आमद है या नैब की टीम, FIA की टीम और इसी तरह जो इंसदादे दहशतगर्दी की जो अदालत है उसका जो अमला है, उसके जो जज साहब हैं, तमाम सभी लोग आज यहाँ पर आए और ये तमाम तर सूरत हाल हम आपको अडयाला जेल से बराह रास्त रात के इस पहर दिखा रहे हैं। आज जो कुछ देर पहले जब सलमान सफदर से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि पहले तो जब 9:30 बजे हम अंदर गए तो सबसे पहले इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज जो हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने इमरान खान को सुना और इमरान खान के जो दहशतगर्दी के पर्चे हैं, टायर जलाने का मुकदमा भी उनके ऊपर एक दर्ज है, उसकी भी समाअत हुई और इसी तरह उन्होंने हवाले दिए तोड़ फोड़ के, हंगामा आरई के, वो भी यहाँ पर सुने गए। और उसके बाद तकरीबन 10:30 बजे के बाद जो साइफर केस की समात है वो शुरू हुई। साइफर केस के जो जज हैं, सुनने वाले जो खसूसी अदालत है इस्लामाबाद की, उसके जज अबू अलहसना जुलकरनैन जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने इसकी समात की। FIA ने आज 5 गवाहान पेश किए, 5 में से सिर्फ 2 को आज उनकी जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड किए जा सके, चूँकि उनकी जिरह भी होनी थी तो जिरह भी हुई, लंबा टाइम लगा। और इसके साथ साथ तकरीबन शाम के 2:30 बजे जब साइफर केस बंद हुआ तो नैब की टीम जो है वो यहाँ पहुँच गई और नैब ने इमरान खान से सवालात किए और ना सिर्फ इमरान खान को नैब की टीम ने गिरफ़्तार किया, उनकी गिरफ़्तारी डाली, बल्कि इमरान खान को उनकी जो ये एक कानून है कि जब आप किसी को गिरफ़्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे अदालत में पेश करते हैं, तो इमरान खान को एहतसाब अदालत, कानूनी तौर पर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जज मोहम्मद बशीर के सामने पेश किया जाना था, लेकिन आज ऐसा हुआ कि जो जज साहब हैं, जज बशीर साहब जो कि तारीखी शख्सियत हैं, बहुत बड़े बड़े केसेस उन्होंने सुने हैं और हमेशा से ही रियासत के बहुत ही करीब रियासती इदारों के रहे हैं और जैसे रियासत चाहती है वैसे नतीजे देने के हवाले से शोहरत रखते हैं, वो अपनी अदालत छोड़कर यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर अदालत लगाई। नैब की टीम ने सवालात किए और उसके बाद जो समात हुई जज मोहम्मद बशीर की अदालत में उसको फिर उसमें नैब ने 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मांगा है इमरान खान का। अभी लतीफ़ खोसा, इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोथा और बैरिस्टर गौहर समेत मुतअद्दिद जो वकला हैं PTI के बंदर हैं, लेकिन साइफर के जो वकील हैं सलमान सफदर वो तकरीबन 9:00 बजे अंदर गए थे और अभी से कुछ देर पहले जब हमने उनसे बातचीत की जब वो बाहर आए तो उस वक्त 5:30 बजे का वक्त था, तो तकरीबन 9 घंटे तकरीबन कमोबेश वो भी अंदर गुजार कर बाहर आए हैं। ये एक गैर मामूली हम देख रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। सलमान सफदर ने कहा कि जिस अदालत में आज इमरान खान को पेश किया गया, जिस कमरे में अदालत लगाई गई, ये वही कमरा था जहां पर बेनज़ीर भुट्टो को उनके मुकदमात को यहीं पर अंदर सुना गया, मुमताज़ कादरी को यहां पर सुना गया और इसी तरह जो अजमल बलोच हैं जिनके ऊपर, अजमल कसाब जिनको कहा जाता है कि मुंबई हमलों में उनका हाथ था, उनके जो केसेस हैं जो उनको सुना जाता था, पेश किया जाता था जज के आगे, वो भी सब यहाँ पर हुआ। तो ये एक गैर मामूली दिन था और गैर मामूली हालातों वाकयात का तस्करा सलमान सफदर की ज़बानी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। साइफर केस की जहाँ तक बात है तो मीडिया को भी उस तक पहुँचने की इजाज़त नहीं है और मीडिया जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल से लाइल्म होता है, फिर हम वकला से ही तमाम तर सूरत हाल जो हैं उसकी अपडेट्स जो हैं वो लेते हैं और जो सलमान सफदर ने कहा वो हमने आज तक पहुंचा दिया है। और इमरान खान के एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इमरान खान का स्टेज जो ये जो साइफर केस का जो चल रहा है जो भी मामला ये कैसे चल रहा है, उन्होंने बड़े गहरे सवाल उठाए, उन्होंने बरहमी का इजहार किया जस्टिस गुल हसन ने और उनकी साथी खातून जज जो हैं जस्टिस समन रिफत ने और स्टे दे दिया इसके ऊपर, रोक दिया यानी कि साइफर को। लेकिन इधर उधर से सामान के ऑर्डर हाई कोर्ट के ऑर्डर आए थे लेकिन इधर बदस्तूर जो समाअत थी वो चल रही थी, बाहर जो PTI के वकला थे, मीडिया खड़ा था, उन्होंने अंदर इंफॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश की लेकिन किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया और यूँ स्टे के बावजूद जो है समाअत होती रही। और समाअत जब मुकम्मल हुई तो वकला को पता चला कि जो समाअत है उसके ऊपर तो स्टे ऑर्डर आ गया है, हमारे हक में है ये तो, और हम खामखा दलाइल देते रहे। तो सलमान सफदर ने मेरे से भी बातचीत में
इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया कि इस माहौल में इस तरह समाप्त नहीं होनी चाहिए, मीडिया को इजाज़त होनी चाहिए, हम तक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचनी चाहिए, हमें इस तरह जेल में हमें बंद नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आज मैं जेल की मैं वो बतौर वकील अंदर नहीं गया था, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं भी जेल में कैद हूँ।